हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेविटी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास नाइन्थ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। इससे पहले वाली वीडियो में हम वन चैप्टर से लेकर चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इस वाली वीडियो में हम चैप्टर नाइन से लेकर चैप्टर फिफ्टीन की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे चैप्टर वाइज। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नाइन से। पहला, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। सेकंड, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरी लाइफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरी लाइफ में क्या मदद मिलती है। मास एंड इनर्शिया क्या है, मास एंड इनर्शिया क्या, इसका आपको याद होना चाहिए। डिफाइन मोमेंटम एंड कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, हमें उसके कैलकुलेशन करनी है। इसके मोमेंटम का हमें प्रैक्टिस करके जाना चाहिए इसके क्वेश्चन। पाँचवें की बात करें तो प्रूफ एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, हमें इसके प्रूफ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट लॉ प्रूफ कैसे करें, सेकंड लॉ। और सिक्स एंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। चैप्टर टेन की बात करें, हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। डिफरेंस और दूसरी बात करें डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट क्या है, इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। मैक्सिमम तीन तीन मैक्सिमम डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के। थर्ड के फोर्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ आयर नेल सिंग बट फोर्स से फ्लो। हमें किसी पानी में क्या पानी में हम कील डालते हैं तो नीचे डूब जाते, शिप हमेशा ऊपर तैरती रहती है, इसका हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। हम जब और आगे बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, इसके हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स आएंगे रिलेटिव डेंसिटी बेस्ड। चौथी बात, पांचवी बात, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है। अगले चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल है काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूम। और पांचवी की बात करें तो बताने क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से न्यूमेरिकल बेस आएंगे। पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एनर्जी बेस्ड, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले के यूज़ करके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी का फॉर्मूला लगा के उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर 12 की बात करें, इसमें बताना होगा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की, एप्लीकेशन के अल्ट्रासाउंड की। और दूसरी की बात करें, इसमें बताना है वर्किंग ऑफ सोनार, सोनार क्या है, इसके हमें सोनार के फॉर्म पता होना चाहिए, वर्किंग ऑफ सोनार पता होना चाहिए, यूजेस क्या है सोनार के हमें पता होना चाहिए। और चौथी बात करें डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, हमें पता होना चाहिए वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हमें इसका फॉर्मूले याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वेवलेंथ हम कैसे निकाल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। मेथड टू रिड्यूस रिवाइब्रेशन की बात करें तो इसमें हमें पता होना चाहिए मेथड रिड्यूस रिवाइब्रेशन होता क्या है। और वाई सीलिंग ऑफ कवर्ड होल मेड बाय कवर्ड, सीलिंग होती है वो कवर्ड बनाई जाती है और होल की, ये हमें पता होना चाहिए। 13 की बात करें, हमें पता होना टाइप्स ऑफ डिसीज एक्टिव एंड क्रोनिक, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज क्रोनिक हमें पता होना चाहिए। सेकेंड है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, हमें पता मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज कैसे फैलती है। और उनके काजल मेथड ट्रांसमिशन है प्रिवेंट ऑफ एड्स, एड्स से प्रिवेंट कैसे करते हैं, ट्रांसमिशन डिजीज से कैसे बच सकते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमें पता होना चाहिए। चैप्टर 14 की बात करें, पता होना चाहिए एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एसिड रेन क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है हमें पता होना चाहिए। वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। तीसरी बात करें इसमें बताना चाहिए रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लेशन, रीज़न क्या है ओजोन को टूटने का, ओजोन को टूटने का डिप्लेशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट लास्ट चैप्टर की बात करें, चलिए चैप्टर 15 का हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन मैनर फर्टिलाइजर, मैनर फर्टिलाइजर डिफरेंस क्या, मैक्सिमम चार चार डिफरेंस पर हमें पता होना चाहिए। और मेथड ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन करने का मेथड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। फाइल्स है डिफाइंस ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और कंपोजिट फिश कल्चर एंड बी कीपिंग क्या है, कंपोजिट फिश कल्चर एंड बी कीपिंग क्या है हमें पता होना चाहिए, पेपर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्स टॉपिक्स है, मिक्स एंड इंटरक्रॉपिंग एज वेल एज क्रॉप रोटेशन, ये क्या है, मिक्स एंड इंटरक्रॉपिंग एज वेल एज क्रॉप रोटेशन भी इसको क्यों कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन को सारे टॉपिक्स को हम सही से पढ़ लोगे, आप सही से पढ़ लोगे, आपकी 80 से 95% साइंस कोई रोक ही नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। और स्टूडेंट और मैथ के भी हम इस वीडियो लेकर आएंगे, क्लास टेंथ का भी क्लास इलेवंथ के सारी वीडियो हम इस लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक एंड शेयर।